अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल समाज बायोलॉजी विद समी समा। आज मैं टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेटली ये सेल से रिलेटेड होंगी, लेकिन जो टॉपिक है वो डेफिनेटली ये ज़्यादातर रिलेटेड है जितने भी एम डी कैट, ठीक है, और इसके अलावा जितने भी नेशनल एम डी कैट है, ठीक है, या पी एम सी से रिलेटेड हो, या इसके अलावा आप किसी भी कॉलेज के लिए, अगर मेडिकल कॉलेज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक होगा। अगर आप एफएससी बेस की बात करें तो उसमें उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बहुत इनको हेल्प करेगा, हेल्पफुल होगा। तो आज जो, क्योंकि हमारे एफएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में टोटल जो है 20 के करीब चैप्टर्स होती है, ठीक है, उसमें सबसे पहला चैप्टर हमने कम्प्लीट कर दिया वो था सेल से, क्योंकि मैंने कहा था कि सेल, अगर आप सेल को डिटेल में पढ़ेंगे तो बाकी चैप्टर्स आपके लिए मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी चैप्टर है अगर वो सारे सेल के बगैर आपको समझ नहीं आता। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए आपके पास वो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। डेफिनेटली एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हमें ज्यादातर मिलते हैं जितने भी मेडिकल कॉलेज के उनके टेस्ट है उनके लिए, उनसे रिलेटेड होगा। तो आज हम पहला जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला है वो है क्या, सेल होगा, ठीक है, सेल का चैप्टर, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पे एनालिसिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा 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 मेम्ब्रेन आर 7 नैनोमीटर वाइड एंड इट्स स्ट्रक्चर इज व्हाट, डायनेमिक, ए इमॉर्फस, बी क्रिस्टलाइन, सी नन ऑफ द अबव। डेफिनेटली अगर हम नज़र दौड़ाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर इट इज फ्लूड म्यूजिक मॉडल जिसने पेश किया, तो उसने कहा कि प्रोटीन इसमें सी की तरह जो है फैले हुए हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली जब यहाँ पे सी का लफ्ज होता है तो दे माइट बी फ्लेक्सिबल, तो फ्लेक्सिबल जब किसी चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो डेफिनेटली दे नॉट सस्टेन इट्स स्ट्रक्चर और दे कैनॉट सस्टेन इट्स पोजिशन, तो दे माइट बी वट डायनेमिक। तो इसका जवाब क्या होगा, डायनेमिक, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, द सोलेबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर फॉर्म्स ग्राउंड सब्सटेंस आर कॉल्ड साइटोसोल, न्यूक्लियस, जेल, साइटो, ऑल ऑफ द अबव। डेफिनेटली जो सेल का जो साइटोप्लाज्म में वो एरिया सब्सटेंस जहाँ क्या सोलेबिलिटी हो तो वो क्या कहलाता है, साइटोसोल कहलाता है, ठीक है। साइटोसोल वो पार्ट है जिसमें क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, द थर्ड क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डेफिनेटली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होगा, डेफिनेटली इसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद है, जब कहीं पे राइबोसोम्स की प्रेजेंस होती है तो डेफिनेटली वहां पे कोई प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है, तो डेफिनेटली यहां पे जवाब क्या हो सकता है, मैं इसमें ज्यादा बात नहीं करूंगा, समझ गए होंगे, ठीक है। डेफिनेटली इसमें प्रोटीन सिंथेसिस की बात हो रही है, ठीक है, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस की बात हो रही है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास वो होगा, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्रोन, ठीक है। डेफिनेटली हमें पता है कि जो न्यूक्लियस है उसको जो है डिस्कवर किया था, जैसे कि हमने सेल को पढ़ लिया था मुकम्मल, तो उसमें जो है ये सवाल था, ठीक है। तो कितने कौन से सन में, ठीक है, 1938, 1931, 1738, 1838, 1831, ठीक है, इनमें से ऑप्शन क्या होता है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे ऑप्शन 18, डेफिनेटली इसमें जवाब क्या होगा, 1831, ठीक है। रॉबर्ट ब्रोन ने 1831 में क्या किया था, सेल को डिस्कवर किया था, तो डेफिनेटली सॉरी न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, तो जवाब हो गया क्या, डी ऑप्शन 1831। नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव, द अटैचमेंट ऑफ टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स अलोंग विद एमआरएनए इज कंट्रोल्ड बाय, ठीक है, इसको कंट्रोल कौन सा एलिमेंट करता है, जब दो सब यूनिट आपस में बॉन्ड बनता है या मैसेंजर आरएनए आकर इनके साथ अटैच होती है, तो ये कंट्रोल इसका बॉन्डिंग, इसका जो है अटैचमेंट कौन करता है, इसमें डेफिनेटली आयरन डेफिनेटली नहीं हो सकता, हीमोग्लोबिन नहीं हो सकता, ठीक है, कॉपर नहीं हो सकता, डेफिनेटली इसमें ऑप्शन होगा मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम आयन क्या करता है, मैग्नीशियम आयन कंट्रोल करता है इसका अटैचमेंट सब राइबोसोम सब यूनिट यानी 50S सब यूनिट और 40 सब यूनिट को आपस में अटैच करता है, जिसकी वजह से आई मैसेंजर आर एन ए यहाँ पे स्टेबली प्रोटीन सेंथेसिस में प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, सेकेंडरी वाल प्राइमरी वाल एंड मिडल लैमेला आर लेयर ऑफ प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल का हिस्सा होता है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, दीज आर नॉट लेयर ऑफ प्लांट, प्रेजेंस ओनली इन द जेमिनोस्पर्म, डेफिनेटली इनमें जो है डेफिनेटली होता है, लेकिन वो प्रोटोप्लाज्म से ही इवाल्व होती है, तो इनका मतलब है कि जो सेलवाल है वो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं लिया जाता, बल्कि वो इन्वेलप नहीं है, बल्कि वो इनसाइड यानी सेल साइटो यानी प्रोटोप्लाज्म से ये इवॉल्व होकर यानी गोल्जी बॉडी इसको इवॉल्व होकर बनाती है, ठीक है। तो इसमें डेफिनेटली किसका किरदार होता है, गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इनका किरदार होती है इसको हेल्प बनाने में, हेल्प करने में। तो डेफिनेटली इसमें ऑप्शन क्या हो सकती है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, डेफिनेटली ये बाहर से उनको नहीं, अदरवाइज में हम वाल नहीं कहते उसको, क्या कहते हैं, इन्वेलप कहते हैं, क्योंकि ये वो खुद बना रहा है इसको, तो इनसाइड टू आउटसाइड, तो ये किसी और से नहीं ले रहे कि हम कहे कि भाई। अच्छा, द सेवन नंबर, ठीक है, सातवां क्या है, द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू रिवॉल्व द माइनर डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज मैग्निफिकेशन पावर, रिजॉल्विंग पावर, मैग्निफिकेशन, नन ऑफ द अबव, ठीक है। मैग्निफिकेशन पावर क्या करता है, उसका साइज बढ़ाता है, ठीक है, लेकिन उसको हमें यानी दिखाता नहीं है, बल्कि उसको जो है वाइड कर देता है, लेकिन इसका रिजॉल्विंग यानी क्लियर करने के लिए उसमें क्या इस्तेमाल होता है, रिजॉल्विंग पावर। तो डेफिनेटली इसका जवाब क्या होगा, रिजॉल्विंग जी पावर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ राइबोसोम इन प्रोकैरियोट सेल इज, प्रोकैरियोट में राइबोसोम का साइज क्या होती है, 70s, 80s, both, none of the above. Definitely, अगर मैं यूकेरियोट की बात करूं उसमें 40 और 50s होती है सब यूनिट, जब ये मिल जाते हैं तो 80s बनाते हैं, लेकिन जो है किसमें, प्रोकैरियोट्स में जो है क्या स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट यानी 30 सब यूनिट और 50 सब यूनिट जब ये आपस में मिल जाते तो डेफिनेटली 70s बनाते, तो डेफिनेटली प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम का जो सब यूनिट है उसका जो मिलकर बनाते हैं डेफिनेटली 70s सब यूनिट, 70s सब यूनिट बनाते, क्लियर। नेक्स्ट 9 MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है, द साइज ऑफ राइबोसोम इन यूकैरियोटिक सेल इज, डेफिनेटली वही क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट में पूछा तो 70, डेफिनेटली यूकैरियोटिक का जो 50s सब यूनिट है और 40 सब यूनिट मिलकर बनाते 80s सब यूनिट, तो इसका जवाब होगा 80s सब यूनिट, ठीक है। उसके बाद 11th उसके बाद 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी वी यूज, क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक पेपर है जो क्या करता है मुख्तलिफ कंपाउंड्स को या कलर कंपाउंड्स को अलहदा अलहदा करता है उसकी मास के बेस पे, तो डेफिनेटली उसमें वाटर ही इस्तेमाल होता है, वाटर रिमूव फ्रॉम पेपर, वाटर ऑब्जर्व ऑन पेपर, डेटा फ्रॉम बैरोमीटर, मोनोमीटर, डेफिनेटली इसमें क्या होता है, वाटर ऑब्जॉर्प्शन पेपर होती है जो क्या करता है पानी को, पानी से कलर या कोई भी सब्सटेंस उसको अलहदा करके एक ग्राफ बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर सेपरेशन, 11th क्वेश्चन, फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम मिक्सचर यूज अ टेक्निक कॉल्ड माइक्रोमीटर, माइक्रोस्कोप, एरोस्कोप, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। डेफिनेटली इसमें सेपरेशन, जब मिक्सचर से कोई चीज़ सेपरेट, कोई कंपाउंड सेपरेट करना है तो इसमें माइक्रोमीटर नहीं होता, वो तो एक मीटर है, ठीक है, माइक्रोस्कोप नहीं होता कि स्कोप है, एरोस्कोप भी नहीं होता, ठीक है, डेफिनेटली इसमें ऑप्शन होगा क्रोमेटोग्राफी, ये सेपरेट करता है, ये अलहदा करता है मिक्सचर से कंपाउंड को, अलहदा अलहदा एक ग्राफ बनाता है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, सेल वॉल ऑफ सेल आर होल्ड टुगेदर बाय, ठीक है, सेल वॉल डेफिनेटली एक सेल दूसरे सेल के साथ मिला हुआ है प्लांट में, ठीक है, तो उसमें वो कौन सा सेल वॉल का हिस्सा है जो दो सेलों को आपस में कनेक्ट रखता है, जुड़े रखता है, वो क्या है, प्राइमरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल है, मिडल लैमेला या नन ऑफ दीज, डेफिनेटली हमें पता है मिडल लैमेला लफ्ज़ खुद बता रहा है कि मिडल में मौजूद है, दो सेलों को आपस में जुड़ाने का काम करता है, ठीक है, दोनों को आपस में फिक्स करने का काम करता है, ठीक है, जिसमें मैग्नीशियम और पोटाशियम
साल्ट होती है जो क्या करता है, दो सेलों को आपस में जुड़े रखता है। तो इसका जवाब होगा मिडल लैमीला, इसका जवाब होगा मिडल लैमीला। द मेम्ब्रेन इज 13, क्वेश्चन नंबर 13। द मेम्ब्रेन ऑफ इज लाइक सी ऑफ लिपिड इज विच प्रोटीन आर फ्लोटिंग। ठीक है, किसने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड है वो समंदर की तरह है और प्रोटीन उसमें एम्बेडेड है, घुसे हुए है। ठीक है, डेफिनेटली ये रिलेटेड होगा किससे, फ्लूड मोजेक मॉडल। ठीक है, फ्लूड मोजेक मॉडल, ठीक है, तो इससे रिलेटेड होगा। 14, क्वेश्चन नंबर 14। द सिस्टर्नी टुगेदर विद वेजिकल आर कॉल्ड। ठीक है, सिस्टर्नी जब वेजिकल की शिकल में होती है तो उसको क्या कहते हैं, मल्टी क्रिस्टी सिस्टर्नी गोल्जी कम्प्लेक्स क्रियो वेसिकल नन ऑफ द अबव। डेफिनेटली जब बहुत से सिस्टर्नी आपस में मिलते हैं डेफिनेटली ये बनाते हैं गोल्जी कम्प्लेक्स। ठीक है, ये बनाते हैं क्या, गोल्जी कम्प्लेक्स। ठीक है, ये फोल्डेड है। ठीक है, इस तरह, ठीक है, इस तरह फोल्डेड है, ये सिस्टर्नीज है, ये सारे क्या है, सिस्टर्नीज है। जब सिस्टर्नीज आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, वो बनाते हैं गोल्जी ऑपरेटस। ठीक है, नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। लाइसोसोम कंटेन वेराइटीज ऑफ एंजाइम कॉल्ड, लाइसोसोम में बहुत से एंजाइम्स हैं, उनका नाम क्या है, पर ऑक्सीजनेज पैरो ऑक्सीडेज हाइड्रोलेज लाइसिस। ठीक है, डेफिनेटली इसमें बहुत से एंजाइम मिक्स है उसमें, जैसे कि प्रोटीज लाइपेज, ठीक है, और अमाइलेज, इस तरह के, तो वो क्या है, एड्रोलेज, वो सारों को मजमू तौर पर हम कहते हैं एड्रोलेज एंजाइम। ठीक है, द 60, क्वेश्चन नंबर 16। प्रोटीन एक्सटेंडिंग इन द डबल लेयर ऑफ लिपिड कम्प्लीटली आर कॉल्ड, डेफिनेटली अगर प्रोटीन जो है सेल के दोनों मेम्ब्रेन, फॉर एग्जाम्पल सेल का जो फास्फोलिपिड बाय लेयर है, ठीक है, फास्फोलिपिड बाय लेयर है, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए, ठीक है, ये फास्फोलिपिड का एक लेयर और ये दूसरा लेयर, लेकिन प्रोटीन इन दोनों में एम्बेडेड है। ठीक है, ये प्रोटीन इन दोनों में क्या है, एम्बेडेड है, तो इस तरह के प्रोटीन को क्या कहते हैं, और कुछ ऐसे प्रोटीन है जो इसके ऊपर मौजूद होती है, ठीक है, ऊपर मौजूद होती है, उनको क्या कहते हैं, जो इसके अंदर घुसा हुआ है, दोनों लेयर में घुसा हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं, तो इंट्रांसिक एक्सट्रांसिक परामेज नन ऑफ द अबव। डेफिनेटली जो अंदर घुसे हुए इंट्रांसिक कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड इंट्रांसिक। ठीक है, 17, क्वेश्चन नंबर 17। द थिकनेस ऑफ प्राइमरी वॉल, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल है, इसका जो थिकनेस है वो सबसे छोटा होता है, डेफिनेटली वो वन माइक्रोमीटर होती है। द थिकनेस ऑफ सेकेंडरी वॉल, डेफिनेटली ये वन से लेकर 3 माइक्रोमीटर होती है। और थिकनेस ऑफ मिडल लैमीला, डेफिनेटली ये 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, सबसे जो मोटा तय होता है वो मिडल लैमीला का, जो एक सेल को दूसरे के साथ चिपका के रखता है, अटैच होके। 20, क्वेश्चन नंबर 20। सम प्रोटीन आर वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन कॉल्ड इंट्रांसिक एक्सट्रांसिक पैरामेज नन ऑफ द अबव। डेफिनेटली अगर मैंने कहा था जो इन आउटसाइड पड़े होते हैं इसको कहते हैं एक्सट्रांसिक। ठीक है, इसका जवाब होगा एक्सट्रांसिक। इसका जवाब क्या होगा, एक्सट्रांसिक। क्यों, क्योंकि ये एक साइड पे पड़ी हुई है, अंदर की तरफ घुसी हुई नहीं है। ठीक है, अगर अंदर की तरफ घुसे होते तो इंट्रांसिक होता, लेकिन ये एक्सट्रांसिक ऊपर पड़े हुए हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पड़े होते हैं। नेक्स्ट 21, क्वेश्चन नंबर 21। कार्बोहाइड्रेट्स अटैच टू लिपिड आर कॉल्ड, जब लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, जवाब क्या होगा, ग्लाइकोलिपिड। जब कार्बोहाइड्रेट अटैच टू प्रोटीन आर कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें बी इसका ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद है। लिपिड बाय लेयर इज कवर्ड विद प्रोटीन एंड प्रोटीन पोर्स, दिस मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय। ठीक है, इसको किसने प्रेजेंट किया कि
जो सेल का मेम्ब्रेन है उसमें कुछ ऐसे प्रोटीन है जो उसके ऊपर उस जो है लिपिड बायलेयर है और प्रोटीन उसके ऊपर लगे हुए कुछ ऐसे प्रोटीन है जो पोरस है, जिसमें चैनल प्रोटीन्स की बात हो रही है। ठीक है, तो चैनल प्रोटीन इसके बारे में किसने कहा था? डेफिनेटली इसमें गॉटर ग्रैंडल 1925, नहीं जे एफ डेनियल्स एंड डेविन 1938। ठीक है, जे एफ डेनियल एंड डेविन, डेलिन एंड डेविन ने 1935 में इसने इसके बारे में बताया कि जो प्रोटीन है, ठीक है, वो कुछ ऐसे प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पड़े होते हैं, कुछ ऐसे घुसे हुए हैं जो पोर लाइक होते हैं, क्योंकि उसमें चैनल प्रोटीन है जिसमें बाहर से कोई अगर खुराक हो, कोई चीज हो, तो अंदर जाने में वो प्रोटीन चैनल का सहारा लेता है, तो अंदर चला जाता है। टू क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। टू लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल ओनली दिस मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय, किसने प्रेजेंट किया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन लिपिड के दो लेयर से मिलकर बना हुआ है, उसको कहा था किसने? रॉबर्ट सन ने, ठीक है, रॉबर्ट सन ने इसके बारे में कहा, सॉरी रॉबर्ट सन ने नहीं कहा था इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में गॉर्टर एंड ग्रैंडल ने 1925 में इसके बारे में हमें बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वाज सजेस्टेड बाय, डेफिनेटली यूनिट के बारे में हमें जो है रॉबर्ट स्टोन ने कहा था। ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन जो है उसने मेम्ब्रेन को कहा कि जो यूनिट एक की चीज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो उसको हमें बताया था रॉबर्ट सन ने 1959 में, इसने हमें बताया था कि जो एक यूनिट से मिलकर बना हुआ है क्या, सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 26। द चैनल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर सेपरेटेड फ्रॉम वन एनदर बाय स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन ऑफ वन अबव एनदर कॉल्ड, ठीक है, जो एक जो है जैसे कि आपने देखे होंगे कि क्या कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, इस तरह के मेम्ब्रेन एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखे हुए है। ठीक है, ये एक दूसरे के हुए, तो इनको सेपरेट किसने किया है? ठीक है, सेपरेटेड हो गए तो अर सेपरेशन को क्या कहा जाता है? तो डेफिनेटली इसमें सिस्टर्नी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सिस्टर्नी। ठीक है, इसको कहा जाता है सिस्टर्नी। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, सर्कुलेशन सर्कुलेशन सेंथेसिस डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिकल सपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये कौन सा ऑर्गेनली है जो क्या कहता है डिटॉक्सिफिकेशन, कोई भी केमिक टॉक्सिक है, ठीक है, सेल के अंदर बन रहा है तो उस टॉक्सिफिकेशन को खत्म करना, और इसके अलावा जो है मैकेनिज्म और सिंथेसिस में भी हेल्प करना और कम्युनिकेशन में रابطہ में भी हेल्प करना, तो ये किसका काम है? तो डेफिनेटली इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, जो सबसे पहला उसने कहा था डिटॉक्सिफिकेशन। तो डेफिनेटली डिटॉक्सिफिकेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कि वो अगर भी कोई टॉक्सिक पैदा हो रहा है तो उसको क्या करता है, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन को खत्म कर देता है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, इन द साइटोप्लाज्म स्मॉल आयंस एंड मॉलिक्यूल फॉर्म, ठीक है, अगर साइटोप्लाज्म में छोटे आयंस मौजूद होती है जैसे कि पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, और फास्फोरस है, अगर ये मौजूद हो तो ये सेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, ट्रू सोल्यूशन, इसको हम कहते हैं क्या, ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, इन साइटोप्लाज्म सम लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म, ठीक है, जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कोलाइडर सॉल्यूशन, ठीक है, कोलाइडर सॉल्यूशन उसको कहा जाता है जो जो सेल के अंदर लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है वगैरह वगैरह, ये सारे इसमें अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, ये आ जाते हैं जो क्या है, सॉलेबल है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड, ठीक है, एक्टिव मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस, एम्बियोसिस मूवमेंट, लोकोमोशन और नन अदर। डेफिनेटली इसमें साइटो साइक्लोसिस, ठीक है, साइक्लोसिस वो सेल के अंदर कोई भी मूवमेंट अगर हो रहा है तो वो उस मूवमेंट को, उस सर्कल को, यानी उस पोजीशन को, उस रास्ते को कहा जाता है साइक्लोसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31।
वन। क्वेश्चन नंबर 31, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन, डेफिनेटली क्लोरोप्लास्ट हमें पता है किसमें मौजूद होता है, ग्रीन प्लांट्स में, ठीक है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट के ग्रीन पार्ट्स है, उसमें क्या मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। और क्लोरो क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है क्रोमोप्लास्ट, डेफिनेटली क्रोमोप्लास्ट ग्रीन के अलावा जितने भी कलर है वो क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं, ठीक है। क्लोरो क्रोमोप्लास्ट उसको कलर दे देता है, तो ग्रीन के अलावा जितने भी कलर अगर आपको प्लांट में मिल रहा है तो वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से। तो डेफिनेटली क्रोमोप्लास्ट कौन से हिस्से में पाया जाता है, ग्रीन हिस्से में तो पाया नहीं जाता, अदर देन ग्रीन। तो डेफिनेटली इसका जवाब क्या होगा, अदर देन ग्रीन। क्वेश्चन क्या होगा जवाब इसका, अदर देन ग्रीन। ग्रीन के अलावा जितने भी कलर है, पिंक है, ब्लू है, रेड है, ऑरेंज है, वो सारे कलर आपको नजर आ रहा है कि फ्रूट्स में या उनके जितने भी फूल्स है उसमें अगर आपको नजर, तो इसका मतलब है उसमें क्रोमोप्लास्ट हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, लिकोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन, डेफिनेटली लिकोप्लास्ट का कोई कलर नहीं होता, ना ग्रीन होता है ना कलर होता है, तो डेफिनेटली ये कहाँ पे पाया जाता है, द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, नो अदर देन ग्रीन, नो कलरलेस पार्ट। इसमें क्या इसका जवाब होगा, जवाब होगा कलरलेस पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, कलरलेस पार्ट ऑफ द प्लांट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद है, तो वो क्या बनाता है, डेफिनेटली जब राइबोसोम्स मौजूद होती है, डेफिनेटली हमें पता है वो पार्ट क्या, डेफिनेटली प्रोटीन बनाएगा, क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, तो इसका कुछ जवाब होगा क्या, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 35, प्राइमरी लाइसोसोम्स आर सिंथेसाइज इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्रोसेस इन, ठीक है, जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्राइमरी लाइसोसोम्स को बनाता है, ठीक है, तो एंजाइम्स रखने के लिए वो कहाँ पे इसको भेज देता है, डेफिनेटली ये गोल्जी ऑपरेटर्स के पास भेज देता है, तो जवाब क्या होगा, गोल्जी ऑपरेटर्स, जहाँ पे फिर ये इससे इसके अंदर एंजाइम आते हैं तो ये सेकेंडरी लाइसोसोम में चला जाता है। राइबोसोम्स आर सिंथेसिस इन, राइबोसोम्स कहाँ पे बनते हैं, डेफिनेटली जब हम सेल पढ़ रहे थे वहाँ पे हमें न्यूक्लियस के अंदर एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल वहाँ पे नजर आया, पोर्शन नजर आया, जिसको हमने न्यूक्लोलस का नाम दिया था, तो डेफिनेटली वहाँ पे हमने पढ़ा था कि वहाँ पे न्यूक्लोलस और वहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं और प्लस आरएनए वहाँ पे ही बनते हैं, तो डेफिनेटली जवाब क्या होगा, न्यूक्लोलस, ठीक है, इसका जवाब न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस में मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 37, द टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स आर अटैच बाय, ठीक है, जब राइबोसोम का दो सब यूनिट आपस में मिल जाते हैं, 40 सब एस यूनिट और 50 सब एस यूनिट, जब ये आपस में मिलते हैं तो इनको मिलाने में एल्प के कौन सा एलिमेंट है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, नन ऑफ द अबव, डेफिनेटली इसमें आयरन नहीं होगा, कैल्शियम नहीं होगा, डेफिनेटली इसका जवाब होगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 38, द यूनिट ऑफ गोल्जी ऑपरेटस, ठीक है, गोल्जी ऑपरेटस का जो यूनिट है वो क्या है, डेफिनेटली उसका यूनिट क्या होता है, वेजिकल्स होते हैं, वेजिकल्स उससे निकलते हैं, ठीक है, वेजिकल्स होते हैं, इसमें डैक्टियोसोम, जब गोल्जी बॉडीज प्लांट में अंदर होता है, प्लांट के अंदर गोल्जी ऑपरेटस को कहा जाता है डैक्टियोसोम, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, प्राइमेज एक एंजाइम है, ये भी नहीं हो सकता, सिस्टर्नी ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, स्टिक ऑफ फ्लिटेंट मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक कॉल्ड, ठीक है, वो फ्लिटेंट जो सैक जो पाया जाता है, ठीक है, सेल के अंदर वो क्या होता है, डेफिनेटली वो सैक तेले, वो वाटर वैक्यूल भी हो सकते हैं, वो लाइसोसोम भी हो सकते हैं, वो वेजिकल से ही बनकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 40, ग्लायो ऑक्सीसोम कंटेन ग्लाइकोलिक एसिड कैटलेज यूरियज ऑल ऑफ द अबव, ग्लाय ऑक्सीसोम में ये सारे पाए, डेफिनेटली इसका जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ईच सेंट्रियूल कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स, ठीक है, एक जो सेंट्रोसोम है, ठीक है, सेंट्रियूल है, उसमें कितने ट्यूब्यूल होते हैं, डेफिनेटली उसमें माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल इसमें टोटल 9 होते हैं, तो और हर 9 हर एक के अंदर 3 ट्यूब्यूल होते हैं, तो डेफिनेटली 9 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 27 इसका जवाब होगा, तो इसका जवाब क्या है, 27, ठीक है।
27 होती है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, एंजाइम्स आर बॉन्डेड ऑफ एज अ गोल्जी बॉडी वेजिकल एंड आर कॉल्ड, ठीक है, वो गोल्जी बॉडीज के वेजिकल जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी उसके अंदर एंजाइम डालता है, ठीक है, पैक करता है, तो उस पैकिंग को क्या कहा जाता है। डेफिनेटली वो होगा प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है, वो होगा प्राइमरी लाइसोसोम, क्योंकि ये नया बन रहा है गोल्जी बॉडी में, बन रहा है तो उसके अंदर एंजाइम होगा और तब जाकर ये निकलेगा, फिर अमल करेगा, तो वो फिर उसके बाद एक्शन के बाद वो सेकेंडरी लाइसोसोम्स होगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, मेटामॉर्फोसिस इन एनिमल आर एग्जांपल ऑफ, जैसे कि मेटामॉर्फिज्म एनिमल में अगर कोई तब्दीली आ जाती है, कोई जो है इसका कोई पार्ट गायब हो जाती है, ठीक है, या जैसे कि फ्रॉग के जो लार्वा है, ठीक है, उसमें ठहल होता है, फिर उसके बाद वो खत्म होती है, तो डेफिनेटली उसमें किरदार किसका होता है, लाइसोसोम्स का होता है, इसमें किरदार डेफिनेटली लाइसोसोमल एक्टिविटी होता है, इसमें लाइसोसोमल एक्टिविटी होता है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, इन एनिमल पर ऑक्सीसोम आर प्रेजेंट इन, पर एक्सोसोम कहाँ पे मौजूद होता है, हमें पता है कि प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में नहीं होता, ठीक है, तो ये अगर एनिमल में मौजूद है तो एनिमल के कौन से ऑर्गन में मौजूद है, आया वो लीवर में है, किडनी में है, बोथ ऑफ दे ओनली आर इन अर्ट, डेफिनेटली ये लीवर और किडनी दोनों में पाया जाता है, डेफिनेटली इसका जवाब होगा सी, ठीक है, इसका जवाब होगा सी, क्योंकि जो परऑक्सीसोम है वहाँ पे वो क्या करता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वहाँ पे चांसेस है, क्योंकि ये जो है मुख्तलिफ अमल में जो है अपना जो है किरदार अदा के करते हैं कि उसमें कोई भी साइकिल हो, तो उस नतीजे में जब बन जाता है तो ये क्या करता है, इसको हेल्प कर देता है ख़त्म होने में। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, द नंबर ऑफ फ्लैजिला इन मेमिलियन स्पर्मेटोजोन, ठीक है, स्पर्मेटोजोन में डेफिनेटली एक जो है वो ठहल होता है, ठीक है, एक फ्लैजिला होता है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ फ्लैजिला इन क्लाइमेटोमोनास, ठीक है, क्लाइमेटोमोनास में डेफिनेटली कितने फ्लैजिला होता है, डेफिनेटली इसमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, क्लाइमेटोमोनास जो उसके फ्रंट में लगे हुए थे, इंटीरियर साइड पे लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, द नंबर ऑफ फ्लैजिला इन पैरामीशियम, पैरामीशियम में तो बहुत से फ्लैजिला होते हैं, ये थाउजेंड से अब होते हैं, तो डेफिनेटली इसमें जवाब होगा फ्यू थाउजेंड, ठीक है, इसमें फ्यू थाउजेंड तक फ्लैजिला मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 40, द लीव्स ऑफ प्लांट फोटो रिसेप्शन रिस्पायरेशन अकर इन, ठीक है, लीफ में जो फोटो रिस्पायरेशन का अमल होता है तो वो कहाँ पे होता है, डेफिनेटली ये होता है पर ऑक्सीसोम में, ठीक है, ये होता है पर ऑक्सीसोम में। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, ग्लाय ऑक्सीसोम ओनली प्रेजेंट इन प्लांट कंटेन ग्लाइकोलिक एसिड एंड ऑक्सीडेज एंड, तीसरा क्या था, जैसे कि पीछे एक सवाल गुजर चुका था, तो डेफिनेटली उसमें यूरियस यूरियस एंजाइम मौजूद होती है, ठीक है, यूरियास एंजाइम मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड इन कार्बोहाइड्रेट आर डन बाय, जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो जो फैटी एसिड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, डेफिनेटली इसमें जो ग्लायो ऑक्सीसोम का काम है, ग्लायो ऑक्सीसोम जो क्या करता है, लिपिड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में इन प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 51, क्लोरोप्लास्ट साइज इज, क्लोरोप्लास्ट का जो साइज है वो कितना था, डेफिनेटली उसका साइज 4 to 6 माइक्रोमीटर, 4 to 6 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ सेंट्रूल, सेंट्रूल का जो लेंथ है डायमीटर है वो कितना है, 3 to 5, 0.3 to 0.5 माइक्रोमीटर इसका लेंथ है एंड 0.2 माइक्रोमीटर इसका वेट है, ठीक है, तो इसका जवाब ये है। क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है, ईच सेंट्रूल कंसिस्ट ऑफ, ईच सेंट्रूल कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल जैसे मैंने कहा था उसमें 3 इस तरह के ट्यूब्स मौजूद हो जिसको हम ट्यूब्यूल कहते हैं, लेकिन इनको एक, ये तीनों मिलकर बनाते हैं एक माइक्रोट्यूब्यूल, तो इस तरह के 3 माइक्रोट्यूब्यूल कितने मिले हुए हैं इसमें, जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, तो इसमें टोटल 9 आ जाती है, कितने,
9 माइक्रो ट्यूब्यूल है, लेकिन अगर मैं ट्यूब्यूल की बात करूं तो वो 27 होगी। क्वेश्चन नंबर 54, इन सेल टू सेंट्रूल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, दो सेंट्रूल मौजूद है लेकिन उनका पोजीशन पैरेलल है, एक दूसरे के सीधे है या एक दूसरे के इस तरह राइट एंगल में पड़े हुए, इसके राइट एंगल में इस तरह पड़े हुए, तो इसका जवाब राइट एंगल ऑफ ईच अदर, तो ये एक दूसरे के राइट एंगल में पड़े होते हैं, ठीक है, साइड बाय साइड पड़े हुए थे, पैरेलल पड़े हुए नहीं होते, बल्कि साइड एक अगर सीधा है तो दूसरा लेटा हुआ है, ठीक है, पैरेलल एक अगर वर्टिकल है तो दूसरा ओरिजेंटल होता है। क्वेश्चन नंबर 55, सब यूनिट ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल एंड ट्यूबलिन, द सब यूनिट ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल इज ट्यूबलिन प्रोटीन, इसका सब यूनिट क्या है माइक्रो ट्यूब्यूल का, ट्यूबलिन प्रोटीन मिलकर बनाते हैं, इस तरह एक दूसरे के साथ इस तरह मिले हुए और इस तरह इन्होंने एक ट्यूब बनाया है, ठीक है, तो इसका जवाब होगा ट्यूबलिन प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 56, द सब यूनिट ऑफ माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट का जो सब यूनिट है वो एक्टिन प्रोटीन है, ठीक है, एक्टिन प्रोटीन इसका सब यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 57, द सब यूनिट ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट, डेफिनेटली इंटरमीडिएट का फिलामेंट का फाइबर है, ठीक है, फैब्रिस, ठीक है, इसका फैब्रिस, ठीक है, फैब्रिस इसका सब यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, द स्मॉल नोब स्ट्रक्चर ऑन इनर सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस पे एक जो है सब्सटेंस है उसको क्या कहा जाता है, इस तरह का कोई सब्सटेंस है, इस तरह का सब्सटेंस वहाँ पे पड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, डेफिनेटली उसको कहा जाता है F1 पार्टिकल, ठीक है, इसको कहा जाता है F1, इसको कहा जाता है क्या F1 पार्टिकल, या इसको F0 पार्टिकल भी कहते हैं, या इसको ऑक्सीसोम भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम एंड डीएनए इन इंडिकेट दैट, अगर किसी ऑर्गेनली में जो है राइबोसोम्स भी हो जाए और वहाँ पे डीएनए भी हो जाए तो इसका क्या मतलब कि वो प्रोटीन इज सेंथेसिस एयर, तो इसका मतलब है डेफिनेटली राइबोसोम होता है तो प्रोटीन बनता है, तो डेफिनेटली इसका जवाब क्या होगा, प्रोटीन सेंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 60, द एवरेज नंबर ऑफ थैलोकाइड फॉर वन ग्रेनियम इज, ठीक है, एक ग्रेनियम में कितने थैलोकाइड प्लेट्स मौजूद होती है, एक ग्रेनियम में कितने थायलोकाइड मौजूद होते हैं, 50 से अबव होती है, ठीक है, तो डेफिनेटली इसमें जवाब आएगा 50 या 50 मोर, ठीक है, डेफिनेटली ये 50 से अबव पाया जाता है, ठीक है, का जवाब होगा 50 और मोर। क्वेश्चन नंबर 61, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर, ठीक है, इसमें क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, वो इनका खासियत क्या है, सेम ऑर्गेनलीज, सेम तो है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनलीज, सेपरेट ऑर्गेनिज्म, सेपरेट टिश्यूज, डेफिनेटली ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनलीज इसलिए कहा जाता है कि इसका अपना डीएनए और अपना राइबोसोम, अपना एंजाइम होती है। क्वेश्चन नंबर 62, ग्लायो ऑक्सीसोम एंड प्लास्टिड्स आर यूनिक ऑर्गेनलीज, ये दोनों एक जैसे ऑर्गेनली है, फाउंड इन किस में पाया जाता है, प्लांट में, एनिमल में, बोथ, बैक्टीरिया, ठीक है, डेफिनेटली ये सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है, ठीक है, कि जैसे कि प्लास्टिड हमें पता है किस में, प्लांट में है। क्वेश्चन नंबर 63, माइटोकॉन्ड्रिया इज अब्सेंट इन, माइटोकॉन्ड्रिया किस में मौजूद नहीं होता, मेचर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, मेचर आरबीसीज, मेचर प्लेटलेट्स, इमेचर आरबीसीज, डेफिनेटली मेचर आरबीसी के अंदर कोई ऑर्गेनलीज नहीं होता, ठीक है, मेचर जो आरबीसीज है उसके अंदर ऑर्गेनलीज नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 64, द सेंट्रल बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन सीलिया इज कॉल्ड, ठीक है, सीलिया के अंदर जो सेंटर पोजीशन में जो फिलामेंट्स है, ठीक है, फ्लैजेला का जो ट्यूबलिन है उनको कंबाइनली कहा जाता है एक्जिनोम, ठीक है, इसको कहा जाता है एक्जिनोम। क्वेश्चन नंबर 65, माइटोसिस इज मिसिंग इन, माइटोसिस डेफिनेटली प्रोकैरियोट में नहीं होता, इसमें बाइनरी फ्यूजन के जरिए सेल डिवीजन होती है, इसमें माइटोसिस मियोसिस का कोई कंसेप्ट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 66, प्रोकैरियोट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, ठीक है, प्रोकैरियोट का जो सेल वॉल है, ठीक है, वो किस चीज से बना हुआ है, डेफिनेटली
वो म्यूरिन से बना हुआ है, ठीक है। ये सेलुलोज प्लांट का है, काइटन फंजाई का है, ग्लाइकोजिन, ठीक है, ये जो है ग्लूकोज का स्टोरेज है, ठीक है। तो डेफिनेटली इसमें म्यूरिन होता है। क्वेश्चन नंबर 67, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डायमीटर क्या होता है? डेफिनेटली 10 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, डायमीटर ऑफ राइबोसोम्स, डेफिनेटली राइबोसोम का डायमीटर कितना होता है? 20 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। डायमीटर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्वेश्चन नंबर 69, डायमीटर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का जो डायमीटर है वो कितना है? 4 से लेकर 6 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, यूकेरेट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, यूकेरेटिक का सेल वॉल बना हुआ है डेफिनेटली काइटन तो भी है, सेलुलोज भी है, लेकिन खरीद कौन सा है? डेफिनेटली सबसे ज्यादा हम सेलुलोज की बात करते हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे आ जाता है काइटन। बाकी ग्लाइकोजन तो डेफिनेटली स्टोरेज फॉर्म में, ग्लूकोज का म्यूरिन जो है प्रोक्रियोट्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 70, इन सेल वन ऑर्गेनली आर इन्वॉल्व इन द फंक्शन ऑफ अदर एक्सेप्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पर ऑक्सीसोम, ठीक है। ये दो ऐसे ऑर्गेनली है, ये इन्वॉल्व होते हैं सेल के हर काम में। क्वेश्चन नंबर 72, द सेल फेल टू डिटॉक्सिफाई द वेस्ट सब्सटेंस प्रोडक्ट इन द इट बिकॉज इट डज नॉट पोजेस इनफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। डेफिनेटली इसमें जो जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्मूथ पोर्शन छोटा है तो डिटॉक्सिफिकेशन बहुत कम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एट, किसमें 8 क्रोमोसोम्स होते हैं? डेफिनेटली फ्रूट फ्लाई है, ड्रोसोफिला, ठीक है, ड्रोसोफिला में 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन चैम्पेंजी, मोंकी में कितने होते हैं? डेफिनेटली ये 48 होते हैं, 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 75, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मैन, इंसान में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? डेफिनेटली 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पोटैटो, डेफिनेटली पोटैटो में 48 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 48 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 77, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पिजन, पिजन में 80 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी 80 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन फ्रॉग, फ्रॉग में डेफिनेटली 26 होते हैं, जैसे कि हमने क्रोमोसोम में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 79, द सीलिया एंड फ्लैजेला कंटेन मैक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, कितने, अगर इनको कंबाइनली कहा जाए, 9 प्लस 1 सेंटर में होता है, 9 प्लस 1 सेंटर में होता है, तो इन दोनों इनको जमा करो तो वो बन जाते कितना? 20। तो इसका जवाब होगा 20 मैक्रोट्यूबुल ट्यूब्यूल्स होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 80, द बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कंप्रेस द एक्सोसोम आर सराउंडेड बाय, डेफिनेटली एक्सोसोम बंडल है किस चीज़ का? माइक्रो ट्यूब्यूल का, जो फ्लैजेला और सीलिया में होता है, तो उसमें एक मेम्ब्रेन ऊपर मौजूद है, तो डेफिनेटली इसका क्या है जवाब? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका जवाब क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनको जुड़े रखा है बंडल को। क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, इसको सेल का पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, द शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मे बी, माइटोकॉन्ड्रिया का शेप किस तरह का हो सकता है? वेसिकल भी हो सकता है, रॉड भी हो सकता है, फिलामेंट, इसका मतलब है जवाब इसका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स आर अटैच बाय, ठीक है, जैसे कि पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये मैग्नीशियम आयन है जो क्या करता है? राइबोसोम को, दो सब यूनिट को आपस में जुड़े रखता है। क्वेश्चन नंबर 84, क्लोरोफिल कंटेन, क्लोरोफिल में क्या मौजूद होता है उसके सेंटर में? डेफिनेटली मैग्नीशियम आयन मौजूद होती है उसके सेंटर में। क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है, होमोग्लोबिन कंटेन, होमोग्लोबिन जैसे कि आरबीसी के अंदर होमोग्लोबिन मौजूद है, उसमें 2 अल्फा 2 बीटा जो है 6 मिले हुए अमाइनो एसिड का, तो इनके सेंटर में क्या हो जाती है? जो ऑक्सीजन को कैरी करके सेल तक रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, तो डेफिनेटली उसमें आयरन मौजूद होता है, ठीक है, उसमें आयरन मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 86,
क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन द पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ व्हाट सीड, ठीक है, वो सीड की डिस्पर्सन और पोलिनेशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 87, ठीक है, द प्लेस वेयर स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच, वो क्रोमोसोम में जब अटैच होते हैं, क्रोमोसोम का कौन सा एरिया जहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, डेफिनेटली वहाँ पे मौजूद है सेंट्रोमियर, ठीक है, सेंट्रोमियर में ये जाकर अटैच हो जाती है, वहाँ पे एक प्रोटीन है जिसको कहा जाता है कैनेटोकोर, उसके साथ अटैच होकर फिर दो डॉटर जो क्रोमोसोम है इनको अलहदा किया जाता है, अगर म्यूसिस हो, अगर मैटोसिस हो तो वो हर क्रोमोसोम को अलहदा अलहदा, यानी अगर वुमन बेन की बात करूँ 46 46, तो 46 को अलहदा करता है और 40 को अलहदा करता है। तो ये MCQs का ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट जो है इसके बाद मैं जो है बताऊंगा।